झुंझुनू के किशनपुरा में दो अलग अलग गुटों में हुए संघर्ष मामले में बुधवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विभिन्न संगठनों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। संगठनों के लोगों का जुलूस श्रवण दत्त नारनोलिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के पास पहुंचा और सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि किशनपुरा में कुछ लोग हथियारों से लैस होकर मेघवाल परिवार के घर में घुसे और सदस्यों के साथ मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए जो जयपुर अस्पताल में भर्ती है। वक्ताओं ने चेतावनी दी, अगर 3 दिन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। खेतड़ी जिला झुंझुनू के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत ही यूं कहें कि दंगावास जैसा कांड है। इस कांड में प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय दे। अगर प्रशासन इसमें लापरवाही बरतेगा तो पूरे प्रदेश के अंदर दलित आंदोलन शुरू हो जाएगा। हमने केवल 3 दिन का समय दिया, अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो वो आंदोलन जो है वो प्रदेश स्तर पे। जो अपने खेतड़ी का अंतिम गांव है उसमें परसों रात लगभग 7-8 के बीच में राजपूत समाज द्वारा सुनियोजित ढंग से मेघवाल परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 9-10 आदमी गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ थाने पर उनको लाया गया, बयान देने की स्थिति में भी नहीं थे और 3 मिनट बाद में उनको जयपुर SS में रेफर किया गया। वहाँ उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत बड़ी नाजुक दौर में है और 3 दिन बाद में भी पुलिस प्रशासन ने जो काम करना चाहिए था अभी तक नहीं किया, इसलिए जिले में भारी आक्रोश।